मैं प्रवेश ही इनमें करता हूँ। किन में? राम और कृष्ण में प्रवेश करता हूँ, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गांवड़े का छोरा था, फिर श्याम से सुंदर बनते हैं, तो किसकी बात हुई? राम की बात हुई या कृष्ण की बात हुई? कृष्ण की आत्मा तो श्याम ही श्याम रही और शरीर छूट गया, श्याम से सुंदर तो बनी नहीं। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, मैं उसमें प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से। पहले गांवड़े का छोरा, फिर श्याम से सुंदर बनते, और ये तो पूरा गांवड़े का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया। क्या साधारण की दुनिया में ऊंची स्टेज होती है या गांवड़े का छोरा जो गैया बकरियां चराता है उसकी ज्यादा ऊंची स्टेज होती है दुनिया के हिसाब से? है साधारण की फिर भी अच्छी स्टेज मानी जाती है। तो ये तो गांवड़े का पूरा छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया। क्योंकि इतनी भट्टी बनेगी, इन्हों को खिलावे का कौन, तो जरूर फिर साधारण भी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं। क्या है भट्टी कितने की बनेगी? बनेगी, बनी है नहीं, बनी तो 300-400 की, और बनेगी कितनों की? भट्टी में बाहर निकलने दिया जाता है ईंटों को। ज्ञान योग की भट्टी में लगातार तपते रहना पड़ता है, तो 700-800 या 10 करोड़ इनकी भट्टी बनेगी। हाँ, इन्हों को खिलावे का कौन, जिनकी भट्टी बनेगी उनको खिलाने का निमित्त एक होगा या 2-4 होंगे? एक होगा, तो जरूर साधारण भी चाहिए। बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। जो सभी से पतित बना है, सभी से जास्ती पतित बना है, वो फिर पावन भी वही बनेगा। तो सभी से जास्ती पतित कौन है? अगर कृष्ण के लिए कहें तो सीढ़ी के चित्र में दिखाया है। क्या दिखाया है? है? वो तो खड़ी है, और राम वाली आत्मा पड़ी है। तो ज्यादा पतित जो है राम वाली आत्मा बनती है, कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। क्राइस्ट के फॉलोअर क्रिश्चियंस न ज्यादा पतित बनते हैं और न ज्यादा पावन बनते हैं। तो राशि किससे मिली, क्राइस्ट या क्रिश्चियंस की राशि किससे मिल रही है?
कृष्ण की आत्मा से मिल रही है। कृष्ण की आत्मा न ज्यादा पतित बनती है और न ज्यादा पावन बनती है। 84 जन्म भी पूरे इसने ही लिए हैं।